बाबा क्या नाम है आपका? अब्दुल। अब्दुल जी, तो आप मतलब आपकी आंखें नम हो रही हैं क्या कुछ? बस क्यों? उड़ा उड़ा पड़ जाता है। अच्छा अब्दुल भाई ये बताओ कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत ही, गरीब आदमी में फुल है जी। आज कुछ कमाया सुबह से? हाँ कमाया। कितना कमाया? 100 रुपये हो गए। 100 रुपये हो गए जी। तो 100 रुपये में राशन वगैरह लेके जाओगे घर पे? जी जी। तो पूरा पूरा दिन हो चुका है, तो पूरे दिन में 100 रुपये कमाए अभी? हाँ 11 बजे तक उधर खुला था सुबह। जी जी। और अभी उधर खुल गया थोड़ा सा। तो कितने घर में कितने लोग हो आप? घर में 2 बेटे हैं जी, छोटे छोटे, और मैं हूँ घर वाली। अच्छा, तो उम्मीद आपको है कि 100 रुपये राशन हो जाएगा आपका? करना पड़ेगा बहुत ही गुजारा जी, गुजारा करना पड़ेगा जी। कहाँ रहते हैं आप? इकराम। तो आज मैं मुझे लगता है कि 2-3 दिन में रिक्शा निकाली आपने? ना कल भी निकाली। कल कितने कमाए थे? कल भी 150 कमा लिए थे। कल 150 कमाए थे, आज 100 कमाए अब तक, और आगे पता नहीं है कि आगे भी आप कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे। अच्छा, तो परेशानी बहुत हो रही है आपको? जी जी, गरीब आदमी को तो परेशानी हो रही। जी जी, हम कुछ मदद कर दें आपकी? आपकी मेहरबानी जी। नहीं मेहरबानी नहीं, हम मदद कर दें कुछ आपकी? ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये हैं, ठीक है ना? 1000 रुपये में आप अपने बच्चों के लिए राशन लीजिएगा, ठीक है, और खुश रहिएगा, ठीक है। ठीक है बाबू जी, रोना नहीं, आप रो क्यों रहे हैं? क्यों क्यों? अच्छा क्यों रो रहे हैं बताओ मुझे? देखो इज्जत 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 जिल्लत अल्लाह है देने वाला, है ना? वही परेशानी देता है, वही ठीक करता है, वही ठीक करता है ना? तो हमें क्या करना है, उसी से मांगना है, सही बात है ना? अल्लाह से, भगवान से, कि तू नहीं परेशानी दी है, तू ही ठीक करने वाला है। और मैं तो एक अदना सा एक इंसान हूँ, इंसान का काम है कि एक दूसरे इंसान के काम आए, तो इसलिए मैंने देखा कि आप इतनी परेशानी में अभी आ रहे थे, और मैंने देखा कि 10-20 रुपये आपने कमाए हैं, और घर में राशन भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। राशन है घर में? बस यहाँ से ले गए थे 2 किलो कल आटा। 2 किलो आटा ले गए थे? अच्छा, आधा किलो दाल ले गए थे मसूर। आधा किलो दाल ले गए थे? चलो हो जाएगा 1000 में आपका काम हो जाएगा। वाले 2000 रुपये, अब खुश हो ना? हैं, हो जाएगा आपका काम? हाँ खूब हो जाएगा। चलिए खुश रहिए, मोहब्बत बांटिए, ठीक है? हो जाएगी, इसलिए पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। देखा आपने उस मजदूर के चेहरे पर खुशी भी थी और गम भी थे, उसके आंखों में आपने देखा किस तरह से एक, मैं बयान नहीं कर सकता उसका दर्द, किस तरह से सिर्फ 2000, महज 2000 रुपये लेने के बाद उसका जो दर्द झलका है ना आंखों से, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये लोग आज 100-100 रुपये के लिए, 100-100 रुपये के लिए परेशान हो रहे हैं, और अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस डंडे मार रही है, फिर भी ये निकलते हैं घर से, बाहर निकलते हैं कि कुछ पैसे कमा लें और अपने बच्चों में, अपने छोटे छोटे बच्चों में, अपनी बीवी में राशन ले जाएं, आटा ले जाएं। 2 किलो आटा, 2 किलो आटे की कीमत क्या होती है? 2 किलो आटे की कीमत कुछ नहीं होती, 2 किलो आटे की कीमत। कल 2 किलो आटा लेके गया था और आज सिर्फ 100 रुपये कमाए हैं पूरे दिन में। हमने सिर्फ एक कोशिश की है थोड़ी सी, ऐसे लोगों की मदद करके एक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइम जो वक्त चल रहा है, सही वक्त है अपने पैसों का सही इस्तेमाल करने का। मेरे भाई उन पैसे को निकालिए, लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि ये वक्त किसी पे भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इस वक्त का सही इस्तेमाल करें, लोगों की मदद करें, बढ़ चढ़ कर मदद में हिस्सा लें, क्योंकि ये वक्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।